Intraday trading tips for 20th Feb 2020. Best trading stocks for Thursday. Intraday stocks for tomorrow. नमस्कार दोस्तों, बीट द ट्रेड के इस वीडियो में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स हम लोग अपनी रडार के ऊपर में रखने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि ऐसी कंपनी से जहाँ पर निफ्टी का एक लॉट 3000 में, बैंक निफ्टी का एक लॉट 2000 में, क्रूड ऑयल का एक लॉट 1000 रुपये में आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों आज के टाइम में जहाँ पर मैं इंटायर इंडिया में जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स काम कर रहे हैं उन सब में मार्जिन को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू है। ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग तब बुलाया जाता है जब आप उसमें मार्जिन यूज करते हैं, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा करके दूंगा एक ऐसी कंपनी के साथ में जहां पर मैं इंटायर इंडिया में हाईएस्ट एक्सपोजर दिया जाता है। दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, शोमोर के ऊपर में आप क्लिक करेंगे। शोमोर पे क्लिक करने के बाद में अलाइज ब्लू अकाउंट ओपनिंग बाय क्लिकिंग बिलो लिंक, इस लिंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। या दोस्तों कंपनी का नाम है अलाइज ब्लू। अलाइज ब्लू में निफ्टी का एक लॉट 3000 में, बैंक निफ्टी का एक लॉट 2000 में, क्रूड ऑयल का एक लॉट 1000 रुपये में मिलता है। अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट सेलेक्ट करके ओपन एंड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोगों को एक मेल आएगा डिजिलिंक की ओर से जिसमें लिखा हुआ रहेगा योर फ्रेंड बीट द ट्रेड हैज इन्वाइटेड यू टू ओपन अकाउंट विद अस। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप स्क्रीन के ऊपर में दिए गए नंबर के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर है 8080974067। इस नंबर के ऊपर में कॉन्टैक्ट करेंगे, आप कॉल करेंगे। अगर मन के चलिए कॉल अगर कभी आपका बिजी आ जाता है तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको सामने से कॉल आ जाएगा टाइम लेकर के। अब बात करें दोस्तों कल कौन से स्टॉक्स को हम लोग अपने रेडार के ऊपर में रखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करें तो हम लोग सबसे पहले कंपनी की, हमारी जो सबसे पहली कंपनी जो हमारे रेडार के ऊपर में वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को अगर आप देखोगे इस ट्रेडलाइन का सपोर्ट लेकर के आज अंबुजा सीमेंट ने ऊपर में जाना शुरू कर दिया है। ये ट्रेडलाइन देखिए, इस ट्रेडलाइन ने इधर में भी सपोर्ट किया था, इस ट्रेडलाइन ने बजट के दिन भी अंबुजा सीमेंट को सपोर्ट किया था, उसके बाद फिर से अपसाइड की रैली, इधर जब सपोर्ट किया फिर से अपसाइड की रैली, यहाँ से तो हल्का फुल्का सा ऊपर ही गया था अंबुजा सीमेंट। अब अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ से भी अपसाइड की रैली अंबुजा सीमेंट ने शुरू किया है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने अंबुजा सीमेंट को अपने रेडर के ऊपर में रखा है। कल हम लोग अंबुजा सीमेंट को बाय करने जा रहे हैं 206.50 के ऊपर में। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 205.50 का, और जो टारगेट हम लोग देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट में वो है 208.50 का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जितने भी स्टॉक्स हम लोग यहाँ पर बताते हैं केवल मात्र हमारी अपनी रिसर्च है। इसके ऊपर में ट्रेड करने से पहले या इसको इसमें किसी भी तरीके की कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह मशवरा कर लीजिएगा। हमारा जो दूसरा स्टॉक है दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखोगे 4814 के ऊपर में आज बजाज फाइनेंस को ट्रेड करने का चांस भी मिला, और उसके ऊपर में क्लोजिंग भी बजाज फाइनेंस ने दिया है। बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे इस वाले लेवल से ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद से, बेसिकली जो पहले रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करने के बाद से एक सीधा सीधा अप मूवमेंट, भले ही थोड़ा सा रुक रुक कर ही सही, लेकिन एक काफ़ी अच्छा अप मूवमेंट बजाज फाइनेंस में देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस को हम लोग बाय करेंगे 4887 के ऊपर में। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 4877 का, और जो टारगेट हम लोग बजाज फाइनेंस में देख रहे हैं वो है 4910 का। जो हमारा तीसरा स्टॉक है दोस्तों वो है डीवी स्लैब का। डीवी स्लैब 2177 की लेवल को काफ़ी दिनों से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, ये इस दिन क्रॉस करने की कोशिश किया, दूसरे दिन फिर से नहीं किया, लेकिन जो भी कंसोलिडेशन हो रहा था वो अपसाइड पर ही हो रहा था। ये पूरी की पूरी अप मूव के बीच में कहीं पर भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, अपसाइड में ही कंसोलिडेशन हुआ है, और आज लगभग लगभग ब्रेकआउट देकर के क्लोजिंग देने का भी काम डीवी स्लैब ने 2177 के लेवल के आसपास में किया। डीवी स्लैब हम लोग कल अपनी बाइंग रेडर के ऊपर में रख रहे हैं। डीवी स्लैब को हम लोग बाय करेंगे 2195 के ऊपर में। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2185 का, और जो टारगेट हम लोग डीवी स्लैब में देख रहे हैं वो है 2215 का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीनों के तीनों स्टॉक को, कल अगर आप कभी अलाइव में ट्रेड करते हैं तो आपके अकाउंट से कितना अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका अलाइज ब्लू छोड़कर कर मान के चलिए कहीं पर भी, और कहीं पर भी अगर आप लोगों का अकाउंट है तो आपके अकाउंट से एक एक स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए मिनिमम 25,000 से 45,000 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे। जबकि अलाइज ब्लू में अगर आप कल अंबुजा सीमेंट को ट्रेड करते हो आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे 3,060 रुपए,
जबकि आप बजाज फाइनेंस को ट्रेड करते हो तो आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे 4,765 रुपए, और अगर आप डीवी स्लैब को ट्रेड करते हो तो आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे 4,927 रुपए। यानी कि अमूमन लगभग लगभग 4,000 से 4,500 रुपए पर लॉट के हिसाब से आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कल अगर आप ये तीनों में से अगर आप आज ये निर्णय नहीं लेते हो कि आपको अलग बीमा अकाउंट ओपन नहीं करना है, और अगर आप मान के चलिए कल अगर आप ये वाला निर्णय लेते हो कि आपको ये किसी और कंपनी में ट्रेड करना है, ये सभी के सभी स्टॉक्स, तो अगर मान के चलिए कोई एक ही स्टॉक आप ट्रेड कर पाए और अगर उसमें लॉस अगर हो गया तो आपका दिन लॉस में खत्म हो सकता है। दोस्तों अलाइज ब्लू उन लोगों के लिए है, वो ट्रेडर्स के लिए जिनके अकाउंट में पैसा कम है, क्योंकि ट्रेडिंग में इंटरडे ट्रेडिंग में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आपका बैलेंस रहेगा, जितना ज्यादा आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे, उतने ज्यादा आप ट्रेड लगा करके आप दिन को प्रॉफिट में क्लोज करने का आपके उसमें चांस रहता है। लेकिन लोग इसकी डायरेक्टली विपरीत करते हैं, लोग क्या करते हैं अपने अकाउंट में जो भी पैसा होता है उससे सिर्फ एक या दो स्टॉक के ऊपर में ट्रेड लगाते हैं, और अगर मान के चलिए वो दिन वो स्टॉक में अगर कभी रिजल्ट अगर कभी खराब आ जाता है या फिर लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है या फिर स्टॉप लॉस अगर कभी ट्रिगर अगर हो जाता है तो लोग ट्रेडर्स दोष देने लग जाते हैं, स्ट्रैटेजी को, ट्रेडर को, टेलीग्राम चैनल को और दूसरों को। दोस्तों इस तरीके के कंसेप्ट को मत करिए, अलाइव ब्लू आपको काफी अच्छा लेवरेज देता है, अलाइव ब्लू के लेवरेज को यूज करिए और अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज करिए। प्रोबेबिलिटी को अपने यूज में लाइए, प्रोबेबिलिटी को अपने यूज में कैसे लेंगे, नंबर गेम को अपने यूज में लाइए, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स में आप ट्रेड बनाए, अपने पोजिशन ओपन करें। कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कुछ स्टॉक्स मार्केट के साथ में सुर मिलाएंगे और आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हो सकता है। हमेशा किसी ना किसी को दोष देने से बेटर ये है कि आप लगभग लगभग सभी के सभी स्टॉक में, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स में आप ट्रेड करें और नंबर गेम को अपना मित्र बनाएं, स्ट्रैटेजी को अपना मित्र बिल्कुल भी ना बनाएं। अब बात कर ले दोस्तों बचे हुए स्टॉकों की। देखिए अगर आप देख रहे हैं हेवेल्स का चार्ट, हेवेल्स के चार्ट में ये एक ट्रेंड लाइन तो वैसे काफी दूर है, यहाँ पर मैं जाकर के एक बार हेवेल्स ने रुकना चाहिए, एक हॉल्ट लेना चाहिए, वहाँ से फिर वो रिवर्स करेगा या फिर आगे जाएगा ये तो खैर जब हेवेल्स यहाँ पे पहुंच जाएगा तब की हम लोग बात करेंगे। लेकिन हेवेल्स ने छोटी सी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं दूसरी जो एक ट्रेंड लाइन बनाई है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आज हेवेल्स को क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल हुई है। कल अगर हेवेल्स अपने ओपनिंग में अगर इस लेवल को कोई ब्रेक कर देता, क्योंकि कल हेवेल्स कहीं पर भी ओपन हो इस ट्रेंडलाइन को तो जरूर एक बार टच करेगा, और जैसे ही ट्रेंडलाइन को टच करके आज के हाई को क्रॉस करेगा एक अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, जो हेवेल्स को इस लेवल के आसपास में लाने के बाद में ये ट्रेंडलाइन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इस लेवल के आसपास में ला करके हॉल्ट दिला सकती है। दोस्तों हेवेल्स हम लोग बाय करेंगे 721 के ऊपर में, हम लोगों की बाइंग रेडार के ऊपर में हेवेल्स है, इसीलिए 719 का हम लोग मेंटेन करेंगे स्टॉप लॉस, और जो टारगेट हम लोग देख रहे हैं हेवेल्स में वो है 725 का। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा कर करके रेंज छोटी हो रही थी, बाद में ये काफी सॉलिड तरीके से नीचे गिरा फरवरी महीने में, कंटिन्यूस सेक्शन इसने डाउनसाइड के बनाए, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेकर के 242 के आसपास से सपोर्ट लेकर के कंटिन्यूस लेवल का ये अपसाइड का मूवमेंट जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिला, और ये पहला रिट्रेसमेंट हुआ है। अब क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के अंदर में आ चुका है, इस ट्रेंड लाइन के पास में आ चुका है जेएसडब्ल्यू स्टील, हमें लगता है यहाँ से वापस से अब ये डाउनवर्ड का मूवमेंट, ये जो रिट्रेसमेंट है ये पूरे तरीके से नहीं हुआ, ये डाउनवर्ड का मूवमेंट और नीचे आएगा ऐसा हमारा मानना है। आगे क्या होता है ये तो आने वाले दिनों में जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको दिखेगा ही, लेकिन कल के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को हम लोगों ने अपने सेलिंग रडार के ऊपर में रखा है। हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील को सेल करेंगे 280 के नीचे में, इसका स्टॉप लॉस हम लोग बनाएंगे 281.10 का, और जो टारगेट हम लोग देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में वो है 277.50 का। तो हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों वो जुबिलियन फूड। जुबिलियन फूड को अगर आप देखोगे आज अगर हम लोग लगभग अगर हम लोग आधे सेशन की बात करें तो 1874 के ऊपर में जुबिलियन फूड को आज ट्रेड करने के लिए और सस्टेन करने के लिए पूरा का पूरा आधे दिन से भी ज्यादा का समय आज जुबिलियन फूड ने सस्टेन किया है। जुबिलियन फूड अब जाकर के पहुंचा है 1904 के अपने लेवल के आसपास में। 1904 को अगर कभी जो जुबिलियन फूड क्रॉस करता है तो एक अपसाइड की मूवमेंट वापस से देखी जा सकती है जुबिलियन फूड में, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेकआउट केवल मात्र एक ही कैंडल में कर ऊपर की मूवमेंट जुबिलियन फूड ने तय की है। इसी वजह से हम लोगों का यह मानना है कि जुबिलियन फूड में बाइंग अभी भी और बाकी है। जुबिलियन फूड को इसलिए हम लोगों ने रखा है हमारे बाइंग रेडार के ऊपर में, हम लोग कल जुबिलियन फूड को बाई करेंगे 1905 पर, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1899 का, और जो टारगेट हम लोग देख रहे हैं जुबिलियन फूड में वो है 1917 का। दोस्तों तीनों के तीनों स्टॉक को कल अगर आप किसी भी और कंपनी में ट्रेड करेंगे तो हेवेल्स को ट्रेड करने के लिए, तीनों के तीनों स्टॉक को आपको ट्रेड करने के लिए एक एक स्टॉक के पीछे मिनिमम 25,000 से 45,000 रुपये आपको लेंगे, यानी कि तीनों के तीनों स्टॉक अगर आपको ट्रेड करना है आपके अकाउंट में मिनिमम 75,000 रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट अलाइव ब्लू में है तो हेवेल्स आपको ट्रेड करने को मिलेगा 2812 रुपये में, जेएसडब्ल्यू स्टील को आप लोग ट्रेड कर पाओगे 3,170 रुपये में, और जुबिलियन फूड को आप लोग ट्रेड कर पाओगे 3,872 रुपये में। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये 6 के 6 स्टॉक आप 24,000 रुपये में ट्रेड कर पाओगे, और अगर मान के चलिए ये अगर आपको कल
किसी और कंपनी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके अकाउंट में आपको मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल के दिन। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।